मम्मी पापा की मुझे बहुत याद आती है, तो मैं यही कहता हूँ मम्मी पापा आप सदा सुखी रहें। तो आपको मैं रब को यही दुआ देता हूँ कि मेरे मम्मी पापा सदा सुखी रहें, उनको कभी कुछ ऐसा ना हो कि उनकी जान ना जाए ना ही उनको कुछ हो जाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको हम ये कहकर छोड़ देते हैं कि ये स्पेशल बच्चे हैं, लेकिन वो स्पेशल क्यों होते हैं? क्योंकि वो भगवान के बनाए हुए स्पेशल होते हैं, और स्पेशल बच्चे भी पढ़ना जानते हैं। अगर आप उनको अपना थोड़ा सा स्पर्श दें, अपना थोड़ा सा सहयोग दें, तो मुझे लगता है वो बच्चे भी बहुत अच्छे बन सकते हैं। तो चलिए एक बच्चे से ऐसी मुलाकात करवाती हूँ जो स्पेशल है, लेकिन पूरी फैमिली के नाम बोलता है वाई प्रॉपर इंग्लिश। नमस्कार, मेरे फादर का नाम है प्रदीप कुमार। वेरी गुड। मेरी मदर का नाम है पूजा कुमारी। वेरी गुड। माय सिस्टर नेम इज अंजलि कुमारी। वेरी गुड। माय स्मॉल ब्रदर नेम इज आशीष कुमार। वेरी गुड। माय बिग ब्रदर नेम इज अंकित कुमार। माय ग्रैंड फादर नेम इज किशोरी लाल। वेरी गुड। My grandmother name is Phula Rani. Very nice. My है ना नानी, उनका नाम है निर्मला रानी। जो मेरा नाम अनिकेत कुमार है। I am 70 years old. I live in is जलंधर। वेरी नाइस। आई एम लिविंग जे संग सिंह नगर। अनिकेत, पढ़ने में क्या क्या अच्छा लगता है? इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर। वेरी गुड। SST, हिंदी, पंजाबी एंड जो मैं भगवान से जो मैं सीखा हूँ वो ही मुझको अच्छा लगता है। वेरी शाबाश शाबाश। मैं जो रब हमको दुआ देता है वो ही बहुत होती है। बिल्कुल। वो जो हमारा भगवान एक 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 भगवान एक ही बहुत होता है। सच बात। एक एक माँ बाप का प्यार। हमें पैसे दौलत शोहरत की कोई जरूरत नहीं होती है। एक माँ बाप का प्यार वही बहुत होता है हमको। मैंने कभी अपने मम्मी पापा को मैंने कोई पलट के मैंने जवाब नहीं दिया है। तो मैं अपने मम्मी पापा की मुझे बहुत याद आती है, तो मैं यही कहता हूँ मम्मी पापा आप सदा सुखी रहें। तो आपको मैं रब को यही दुआ देता हूँ कि मेरे मम्मी पापा सदा सुखी रहें, उनको कभी कुछ ऐसा ना हो कि उनकी जान ना जाए ना ही उनको कुछ हो जाए। तो मैं यही गाना गाता हूँ, एक गाना गाता हूँ। मैं यहाँ तुम यहाँ जिंदगी है कहाँ, मैं यहाँ तुम यहाँ जिंदगी है कहाँ, नींद आती नहीं याद जाती नहीं हो, नींद आती नहीं याद जाती नहीं, जिंदगी में है तू ढूंढू मैं कहाँ, मैं यहाँ तुम यहाँ जिंदगी है कहाँ। जब भी हमारे घर में कोई स्पेशल बच्चा पैदा होता है तो हम उसको पिंगला घर में या कहीं ऐसी जगह पे छोड़ जाते हैं जहाँ कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते। लेकिन जिस बच्चे से हमने आज आपसे बात करवाई है वो बच्चा स्पेशल है, लेकिन फिर भी वो बच्चा हर बात जानता है, मम्मी पापा का नाम जानता है, यहाँ तक कि पूरी वो पोएम भी सुनाता है, गाने सुनाता है, अपनी पूरी फैमिली के नाम भी सुनाता है। उसके मम्मी पापा हैं या नहीं है ये हमें नहीं पता, लेकिन बातों ही बातों में उसने ये चीज़ ज़ाहिर कर दी है कि मेरे मम्मी पापा कहीं
भी हैं, जहाँ भी हैं, वो हमेशा सुखी रहें। देखिए स्पेशल बच्चे अपने माँ बाप की स्पेशली ब्लेसिंग मांग रहे हैं प्रभु से, भगवान से, और मुझे लगता है कि ऐसे बच्चे को कभी भी ऐसी जगहों पर नहीं छोड़ना चाहिए, अपने घर पर रखना चाहिए, उसका पालन पोषण करना चाहिए। कैसे माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को अपने सीने से अलग कर देते हैं, अपने आप से दूर कर देते हैं। हो सकता है कोई ना कोई उनकी मजबूरी रही होगी, लेकिन फिर भी ऐसी क्या मजबूरी है कि अपने बच्चों को कहीं और छोड़ देना। लेकिन अपने बच्चे हमेशा अपने पास रखिए, फिर जो जैसे भी हैं भगवान के दिए हुए ये नन्हे फूल हैं, इनका ख्याल रखा कीजिए। सेंट्स ऑफ द टाइम से कोमल शर्मा की रिपोर्ट, कैमरामैन अनुराग के साथ।